to my YouTube channel मधुमिता स्किन एंड हेल्थ केयर। आज मैं दिखाने वाली हूँ कैसे घर में हम हेयर को शाइनी, सिल्की और स्मूथ और हेयर ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब हेयर को लॉन्ग कर सकते हैं, तो वही दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्टेड मेरा वीडियो। स्टार्ट करने के पहले एक लाइक कर दीजिए मेरे चैनल। हेयर पैक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी दही, एक वन लेमन, वन एग, वन बनाना, कोई टू भी बनाना ले सकते हैं, दो बनाना ले सकते हैं, कस्टर्ड ऑयल वन टेबलस्पून, हनी वन टेबलस्पून, कोकोनट ऑयल टू टेबलस्पून, एक साथ सब मिला के प्रोटीन वाला हेयर पैक तैयार हो जाएगा। अभी मैं लगा लेती हूँ। इस पेस्ट को हल्के हाथों से फिंगर के मदद से ऐसे लगाना है, फिंगर के मदद से ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए। पहले पूरा स्कैल्प पे लगाना है, फिर बाद में हेयर का लेंथ पे लगाना है, फिर बाद में ऐसे हेयर का लेंथ पे लगा लेना है, लेकिन पहले स्कैल्प पे लगाना है क्योंकि ये प्रोटीन वाला हेयर पैक है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाना चाहिए, इससे हमारे हेयर को प्रोटीन मिलते हैं। इस पैक में मैं वन टेबलस्पून कस्टर्ड ऑयल डाली और टू टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, वन टेबलस्पून हनी और आधा नींबू का रस और वन एग, टू बनाना और एक कटोरी योगर्ट, ये सबको मिक्स करके प्रोटीन वाला हेयर पैक में बनाई। उसे गीला गीला ही रखना चाहिए, मतलब पतला वाला ही हेयर पैक बनाना चाहिए क्योंकि हमारे स्कैल्प पे ये गीला लगाने में सुविधा भी है, मतलब और गीला लगाने में सुविधा भी है। और एक बात है, मतलब ये लगाने के बाद अभी तो गीला है लेकिन सूख जाएगा, तब हार्डी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक है, तो इसलिए ये सूख जाएगा। कोकोनट हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हेयर को नारिशिंग करते हैं, हनी भी हेयर को मॉइस्चराइजर और नारिशिंग करते हैं, और कस्टर्ड ऑयल हमारे हेयर को ग्रोथ करते हैं, मतलब हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं कस्टर्ड ऑयल, और एक हमारे हेयर को प्रोटीन देते हैं, मतलब हेयर में जो प्रोटीन चाहिए वो एक और बनाना से भी मिलता है, और बनाना कंडीशनर का काम करता है, मतलब हेयर को स्मूथ बनाते हैं, और लेमन का जूस उसकी हमारे स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होता है हम लोग का, तो मतलब डैंड्रफ दूर करता है और हेयर को नरम, मतलब स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। लेमन हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं और सिल्की भी करते हैं लेमन, और स्कैल्प पे डैंड्रफ का जो डैंड्रफ होता है उससे छुटकारा पाने के लिए भी लेमन मदद करता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके फिर लेंथ पे लगा लेती हूँ, ऐसे करके लगाना है। और योगर्ट भी हेयर को मॉइस्चराइजर और शाइनी सूप, मतलब योगर्ट भी सॉफ्ट स्मूथ सिल्की करने में हेयर को मदद करते हैं। ऐसे करके
लगा लेती हूँ और एक साइड भी लगा के दिखाती हूँ। हेयर पे मैं प्रोटीन पैक जो हेयर पैक बनाई थी होममेड वाला प्रोटीन हेयर पैक वो पूरे हेयर पे लगा के चूड़ा बना लिए। फिर अभी एक घंटा इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। एक घंटे के बाद अच्छे से धो लेना चाहिए, अच्छे से जो केमिकल फ्री वाला शैम्पू होता है उससे धो लेना चाहिए। तो हर्बल शैम्पू होगा तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम सब नेचुरल चीज़ यूज किए हैं इसलिए नेचुरल हर्बल शैम्पू यूज करना अच्छा होता है। तो धोने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए पारे इतना साइन कर रहे हैं यार, मेरा बहुत साइन कर रहे हैं। तो ऐसे ही साइनिंग स्मूथ सिल्की हेयर चाहिए तो ये हेयर पैक जरूर ट्राई करना। ओ एक बार कर सकते हैं ये हेयर प्रोटीन, मतलब घर पे लगा सकते हैं। होममेड वाला हेयर प्रोटीन है ये, तो होममेड वाला हेयर पैक है, तो आप लोग घर पे ये हफ्ते में एक बार लगा ही सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए कमेंट करना। हम आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ले आएंगे होममेड वाला वा और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप लोग बताना, ज़रूर कमेंट करना। टाटा।